गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी आज हम मांग का सिद्धांत लेसन के अंतर्गत मांग में वृद्धि एवं कमी इस उप विषय पर विस्तृत चर्चा करेंगे इस टॉपिक को पढ़ाने का मेरा मुख्य उद्देश्य है आपको निम्नलिखित बिंदुओं से अवगत कराना फर्स्ट मांग में वृद्धि का अर्थ मेरे इस लेक्चर के बाद आप मांग में वृद्धि का अर्थ जान पाएंगे सेकंड मांग में कमी का अर्थ इस टॉपिक को पढ़ाने का मेरा दूसरा उद्देश्य है आपको मांग में कमी का अर्थ की जानकारी देना थर्ड मांग में वृद्धि के कारण आपको इस बात की जानकारी देना कि किसी भी वस्तु की मांग में वृद्धि के कौन कौन से कारण पाए जाते हैं फोर्थ मांग में कमी के कारण मेरे इस लेक्चर के बाद आप मांग में कमी क्यों होती है इसके कौन से कारण पाए जाते हैं इसकी जानकारी हासिल करेंगी डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि अर्थशास्त्र में मांग शब्द का अर्थ है अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की निश्चित समय में तथा निश्चित कीमत पर खरीदी जाने वाली मात्रा आप ये भी जानते हैं कि वस्तु की मांग कभी भी स्थिर नहीं रहती बल्कि वस्तु की मांग में परिवर्तन होते रहते हैं किसी भी वस्तु की मांग में ये परिवर्तन दो कारणों से होते हैं फर्स्ट कीमत में परिवर्तन के कारण और दूसरा मांग को प्रभावित करने वाले अन्य तत्वों जैसे उपभोक्ता की आय रुचि फैशन, जनसंख्या जलवायु या मौसम आदि में परिवर्तन के कारण जब केवल वस्तु की कीमत के परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है तो वह मांग में विस्तार या संकुचन कहलाता है इसकी चर्चा हम अपने पिछले लेक्चर में कर चुके हैं आज हम इस बात की चर्चा करेंगे कि वस्तु की मांग में परिवर्तन का दूसरा कारण अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण होता है अन्य तत्व जैसे उपभोक्ता की आय रुचि तथा फैशन में परिवर्तन आ जाए या जनसंख्या में परिवर्तन आ जाए या जलवायु या मौसम में परिवर्तन आ जाए तो उसके कारण भी किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन आता है तथा वह मांग में वृद्धि या कमी कहलाता है मांग में वृद्धि या कमी में जो है मांग वक्र बाएँ या दाएँ तरफ शिफ्ट हो जाता है जबकि मांग के विस्तार और संकुचन में मांग वक्र एक ही रहता था यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि मांग में वृद्धि या मांग में कमी में मांग वक्र बाएँ या दाएँ तरफ सरक जाता है यह है जो है मांग वक्र का खिसकाव कहलाता है अब हम मांग में वृद्धि या कमी करेंगे जब मांग कीमत की अपेक्षा दूसरे तत्वों में परिवर्तन जैसे उपभोक्ता की आय संबंधित वस्तुओं की कीमतें उपभोक्ताओं की रुचियों तथा प्राथमिकताएं, बाज़ार में क्रेताओं की संख्या भविष्य में कीमतों में परिवर्तन की संभावना आदि के कारण बदलती है तो इसे मांग में वृद्धि या कमी कहते हैं अब हम पहले मांग में वृद्धि इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे मांग में वृद्धि जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि मांग का बढ़ना जब कीमत की अपेक्षा किन्हीं अन्य तत्वों जैसे आय रुचि फैशन तथा जनसंख्या में परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो इसे मांग में वृद्धि कहते हैं यह मांग में वृद्धि दो प्रकार से हो सकती है समान कीमत पर अधिक मांग अर्थात जब कोई कीमत में परिवर्तन न हो केवल मांग बढ़ जाए तो वह भी मांग में वृद्धि कहलाती है सेकंड, अधिक कीमत पर समान मांग अर्थात जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाए लेकिन मांग समान रहे तो उसे हम मांग में वृद्धि कहते हैं मांग में वृद्धि इसे हम टेबल व डायग्राम की सहायता से स्पष्ट कर सकते हैं फर्स्ट है समान कीमत पर अधिक मांग जब कीमत में कोई परिवर्तन न हो और मांग बढ़ जाए तो मांग में वृद्धि कहलाती है स्टूडेंट्स जब कीमत समान रहती है स्थिर रहती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता लेकिन किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा बढ़ जाए तो वह मांग में वृद्धि कहलाती है आप यह टेबल देख रहे हैं ये जो है समान कीमत पर अधिक मांग को दर्शा रही है इस टेबल में बाई तरफ कॉफ़ी की कीमत रुपये में ली गई है तथा दाई तरफ कॉफ़ी की मांग प्रति कप ली गई है इस टेबल में आप देख रहे हैं कि जब कॉफ़ी की कीमत दो रुपये है तो कोई उपभोक्ता कॉफी के दो कपों की मांग करता है जब कीमत दो रुपये ही रहती है अर्थात कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता कीमत समान रहती है लेकिन कॉफ़ी की मांग दो कपों से बढ़कर तीन कप हो जाती है तो यह है जो है समान कीमत पर अधिक मांग कहलाएगी इस टेबल में क्या दर्शाया गया है कि कीमत समान है कोई परिवर्तन नहीं होता लेकिन मांग बढ़ जाती है और मांग में ये परिवर्तन किस कारण हुआ उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के कारण हो सकता है उपभोक्ता की रुचि फैशन आदि में परिवर्तन के कारण हो सकता है तो समान कीमत पर अधिक मांग डियर स्टूडेंट्स अब हम समान कीमत पर अधिक मांग को रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट करेंगे आप रेखा चित्र में देख रहे हैं कि ओ एक्स एक्स पर वस्तु की क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी डिमांडेड अर्थात वस्तु की मांगी गई मात्रा ली गई है तथा ओ वाई एक्स पर वस्तु की प्राइस यानी वस्तु की कीमत ली गई है जब किसी वस्तु की कीमत दो रुपये है तो कोई उपभोक्ता उसकी दो इकाइयों की मांग करता है यहाँ पर उपभोक्ता का मांग वक्र डी डी है जब कीमत समान रहती है कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आता परंतु वस्तु की मांगी गई मात्रा दो इकाइयों से बढ़कर तीन इकाइयाँ हो जाती है अब हमारा नया मांग वक्र डी वन डी वन है अर्थात जो मांग वक्र है डी डी वह दाई तरफ शिफ्ट हो गया है मांग वक्र का दाई तरफ शिफ्ट होना मांग में वृद्धि को दर्शाता है इस रेखा चित्र में यह दिखाया गया है कि कीमत समान रहती है कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता लेकिन वस्तु की मांगी गई मात्रा बढ़ जाती है यह कहलाता है समान कीमत पर अधिक मांग मांग में वृद्धि का दूसरा पॉइंट है अधिक कीमत पर समान मांग इसमें नाम से पता चल रहा है कि कीमत बढ़ जाती है लेकिन मांग समान रहती है मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग समान रहती है तो वह अधिक कीमत पर समान मांग कहलाती है अर्थात जब कीमत में वृद्धि हो जाती है लेकिन मांग समान रहे तो वह मांग में वृद्धि कहलाती है और इसे अधिक कीमत पर समान मांग कहा जाता है इसे भी हम टेबल की सहायता से स्पष्ट कर सकते हैं आप टेबल में देख रहे हैं कि बाईं तरफ चाय की कीमत रुपये में ली गई है तथा दाईं तरफ चाय की मांग कप में ली गई है जब चाय की कीमत दो रुपये प्रति कप है तो चाय के दो कपों की डिमांड की जाती है चाय की कीमत दो से बढ़कर तीन रुपया हो जाती है तो चाय की मांग समान ही रहती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता अर्थात दो काफ़ी रहती है तो ये कहलाएगी अधिक कीमत पर समान मांग आप टेबल में देख रहे हैं कि कीमत बढ़ जाती है लेकिन चाय की मांग समान रहती है तो ये भी जो है मांग में वृद्धि को प्रकट करती है और ये है अधिक कीमत पर समान मांग अब हम अधिक कीमत पर समान मांग को डायग्राम की सहायता से स्पष्ट करेंगे आप रेखा चित्र में देख रहे हैं ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की मांग ली गई है तथा ओ वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत ली गई है जब वस्तु की कीमत दो रुपया है तो कोई उपभोक्ता उस वस्तु की दो इकाइयों की मांग करता है जब वस्तु की कीमत दो रुपये से बढ़कर तीन रुपये हो जाती है तो उस वस्तु की मांग समान ही रहती है दो इकाई ही रहती है पहले उपभोक्ता डीडी डिमांड का ऊपर था यानी पहले उपभोक्ता का मांग वक्र डीडी था अब जो है ये दाईं तरफ शिफ्ट होकर ऊपर की तरफ चला गया है और अब उपभोक्ता का नया मांग वक्र डी वन डी वन बन गया है मांग वक्र के डीडी से डी वन पर शिफ्ट होना अधिक कीमत पर समान मांग को दर्शा रहा है अर्थात यह है जो है मांग में वृद्धि का दूसरा प्रकार है डी स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि मांग में ये वृद्धि किन कारणों से होती है अतः अब हम मांग में वृद्धि के कारण करेंगे और मांग में वृद्धि का फर्स्ट कारण है उपभोक्ता की आय में वृद्धि जब किसी भी उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो वह है किसी भी वस्तु की ज़्यादा डिमांड करता है यह एक सामान्य सी बात है कि जब किसी व्यक्ति की आय बढ़ेगी तो वह वस्तुओं और सेवाओं की ज़्यादा डिमांड करेगा अतः मांग में वृद्धि का पहला कारण है उपभोक्ता की आय का बढ़ना मांग में वृद्धि का दूसरा मुख्य कारण है प्रतिस्थानापन वस्तु की कीमत में वृद्धि आप जानते हैं कि प्रतिस्थानापन वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका हम एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं जैसे चाय कॉफ़ी पेप्सी, कोका कोला आदि प्रतिस्थानापन वस्तुओं की कीमत में वृद्धि के कारण भी मांग में वृद्धि हो जाती है यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उपभोक्ता उसकी जगह सस्ती वस्तु को प्रतिस्थापित कर देते हैं अर्थात सस्ती वस्तु का प्रयोग करने लग जाते हैं और जिसकी कीमत कम है उसकी मांग बढ़ जाती है मांग में वृद्धि का तीसरा प्रमुख कारण है पूरक वस्तु की कीमत में कमी अर्थात पूरक वस्तुओं की कीमत अगर कम हो जाती है तो भी किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है मांग में वृद्धि हो जाती है पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो मिलकर किसी आवश्यकता की संतुष्टि करते हैं अर्थात जिनकी मांग एक साथ की जाती है जैसे स्याही सुई धागा कार पेट्रोल यदि पेट्रोल की कीमत कम हो जाती है तो कारों की मांग बढ़ जा, जाएगी यह जो है मांग में वृद्धि कहलाएगा तो मांग में वृद्धि का क्या कारण है कि पेट्रोल की कीमत में कमी आई इसी कारण जो है कारों की मांग बढ़ी है मांग में वृद्धि का नेक्स्ट कारण है वस्तु के लिए उपभोक्ता की रुचि तथा प्राथमिकता में वृद्धि यदि कोई उपभोक्ता किसी वस्तु को पसंद करने लग जाता है या उसको प्रेफर करता है प्राथमिकता देता है तो भी वह उस वस्तु की ज़्यादा डिमांड करेगा और मांग बढ़ जाएगी मांग में वृद्धि होगी मांग में वृद्धि का नेक्स्ट कारण है क्रेताओं की संख्या में वृद्धि डियर स्टूडेंट्स यदि क्रेताओं की संख्या बढ़ जाती है तो भी मांग बढ़ेगी और क्रेताओं की संख्या में वृद्धि कैसे होती है यदि किसी देश की जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है किसी देश की जनसंख्या में वृद्धि होने से वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड बढ़ती है तो मांग में वृद्धि का एक कारण है क्रेताओं की संख्या में वृद्धि नेक्स्ट कीमत बढ़ने की संभावना मांग में वृद्धि का अगला कारण है कि अगर उपभोक्ता को ये लगता है कि किसी वस्तु की भविष्य में कीमत बढ़ जाएगी अर्थात कोई वस्तु भविष्य में महंगी प्राप्त होगी तो वर्तमान में वह उस वस्तु की ज़्यादा मांग करेगा और मांग में वृद्धि होगी मांग में वृद्धि का अगला कारण है भविष्य में उपभोक्ता की आय बढ़ने की संभावना अगर उपभोक्ता को ये लगता है कि भविष्य में उसकी आय बढ़ जाएगी तो भी वह वस्तुओं और सेवाओं की ज़्यादा डिमांड करता है तथा मांग में वृद्धि होगी तो डियर स्टूडेंट्स इन सभी कारणों से मांग में वृद्धि हो सकती है डियर स्टूडेंट्स अब हम मांग में कमी पर चर्चा करेंगे मांग में कमी नाम से ही पता चल रहा है कि मांग का कम होना लेकिन मांग किसके कारण कम होती है अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण या जैसे उपभोक्ता की आय रुचि फैशन आदि में कमी के गाण जब किसी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता अर्थात उस वस्तु की कीमत स्थिर रहती है परंतु उस वस्तु की मांग कम हो जाती है या फिर कीमत के कम होने पर मांग समान रहती है तो इस परिवर्तन को मांग में कमी कहा जाता है और मांग में कमी भी मांग में वृद्धि की तरह से ही दो प्रकार से होती है फर्स्ट समान कीमत पर कम मांग सेकंड कम कीमत पर समान मांग अब हम पहले समान कीमत पर कम मांग करते हैं जैसा नाम से स्पष्ट है समान कीमत पर कम मांग अर्थात कीमत स्थिर रहती है कोई परिवर्तन ही होता केवल उस वस्तु की मांग कम हो जाती है तो वो समान कीमत पर कम मांग कहलाती है इसे हम टेबल की सहायता से स्पष्ट कर सकते हैं टेबल में आप देख रहे हैं कि बाई तरफ चाय की कीमत रुपये में ली गई है तथा दाईं तरफ चाय की मांग कपों में ली गई है जब चाय की कीमत दो रुपया प्रति कप है तो कोई उपभोक्ता दो कप चाय की मांग करता है जब कीमत समान रहती है अर्थात दो रुपये ही रहती है लेकिन चाय की मांग गिरकर कर दो से एक कप हो जाती है तो यह समान कीमत पर कम मांग कहलाएगी समान कीमत पर कम मांग को हम डायग्राम की सहायता से भी स्पष्ट कर सकते हैं आप रेखा चित्र में देख रहे हैं कि ओ एक्स अक्स पर वस्तु की मांग ली गई है तथा ओ वाई अक्स पर वस्तु की कीमत ली गई है जब पहले वस्तु की कीमत दो रुपये है तो कोई उपभोक्ता उस वस्तु की दो इकाइयों की मांग करता है तथा डी मांग वक्र है अब कीमत समान रहती है अर्थात दो ही रुपये रहती है कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता लेकिन उपभोक्ता की मांग दो इकाइयों से कम होकर एक इकाई हो जाती है तथा अब नया मांग वक्र D1 D1 बन जाता है यह मांग वक्र जो पहले हमारा मांग वक्र डी था वह नीचे की तरफ बाएँ तरफ शिफ्ट हो गया है तो मांग वक्र का बाई तरफ शिफ्ट होना समान कीमत पर कम मांग अर्थात मांग में कमी को दर्शाता है डी स्टूडेंट्स मांग में कमी हमने बताया था दो प्रकार से होती है तो इसकी दूसरी टाइप है कम कीमत पर समान मांग कम कीमत पर समान मांग अर्थात जब वस्तु की कीमत कम हो जाए लेकिन उस वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो तो वह भी मांग में कमी कहलाता है आप टेबल में देख रहे हैं चाय की कीमत रुपए में ली गई है तथा चाय की मांग प्रति कप कप में ली गई है जब चाय की कीमत दो रुपए है तो कोई उपभोक्ता दो कप चाय की मांग करता है जब चाय की कीमत दो रुपए से कम होकर एक रुपया हो जाती है तो वह उपभोक्ता चाय की मांग में कोई परिवर्तन नहीं करता तथा वह दो कप चाय की ही डिमांड करता है तो यह है जो है कम कीमत पर समान मांग कहलाती है अब हम इसे डायग्राम की सहायता से स्पष्ट करेंगे डायग्राम में आप देख रहे हैं ओ एक्स एक्स पर वस्तु की मांग तथा ओ वाई एक्स पर वस्तु की कीमत ली गई है जब वस्तु की कीमत दो रुपये है तो कोई उपभोक्ता उसकी दो इकाइयों की मांग करता है तथा मांग वक्र डीडी है जब कीमत दो रुपये से कम होकर एक रुपया हो जाती है तो मांग समान ही रहती है अर्थात दो इकाइयों की रहती है लेकिन हमारा मांग वक्र बाई तरफ शिफ्ट हो जाता है तथा नया मांग वक्र अब D1, D1 बन जाता है डी स्टूडेंट्स ये कहलाता है कम कीमत पर समान मांग अर्थात मांग वक्र का बाई तरफ शिफ्ट होना मांग में कमी को दर्शाता है यह वस्तु की मांग में जो कमी आती है इसके अनेक कारण पाए जाते हैं मांग में कमी के कारण इस प्रकार हैं फर्स्ट उपभोक्ताओं की आय में कमी डी स्टूडेंट्स यदि उपभोक्ताओं की आय कम हो जाती है तो बिल्कुल नेचुरल सी बात है कि अगर व्यक्ति की आय कम होगी तो वह वस्तुओं की मांग भी कम करेगा तो मांग में कमी का पहला तथा प्रमुख कारण है उपभोक्ता उपभोक्ताओं की आय का कम होना सेकेंड स्थानापन वस्तु की कीमत में कमी यदि स्थानापन वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो भी उपभोक्ता किसी वस्तु की कम मांग करते हैं क्योंकि उपभोक्ता जो महंगी वस्तु है उसके स्थान पर सस्ती वस्तु को प्रतिस्थापित कर देगा थर्ड है पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण भी मांग में कमी होती है मांग में कमी का अगला कारण है वस्तु के लिए उपभोक्ता की पसंद व प्राथमिकता में कमी अगर उपभोक्ता किसी वस्तु को कम पसंद करने लगता है या उसको कम प्रेफर करता है तो भी जो है वह उस वस्तु की कम मांग करेगा और मांग में कमी आ जाएगी नेक्स्ट क्रेताओं की संख्याओं में कमी यदि उपभोक्ताओं की जो क्रेता है उस वस्तु को खरीदने वाले हैं उन व्यक्तियों की संख्या कम हो जाती है तो भी मांग में कमी आती है मांग में कमी का अगला कारण है भविष्य में कीमत के गिरने की आशंका यदि उपभोक्ताओं को ये लगता है कि भविष्य में किसी वस्तु की कीमत कम हो जाएगी तो वर्तमान में वह वस्तु की मांग कम करेगा अतः मांग में कमी के ये उपरोक्त बताए गए सभी कारण पाए जाते हैं डीए स्टूडेंट्स निष्कर्ष तौर पर हम ये कह सकते हैं कि कीमत के स्थिर रहने पर जब अन्य तत्वों में जैसे उपभोक्ता की आय रुचि फैशन आदि में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन आता है तो वह मांग में वृद्धि या कमी कहलाता है और मांग में वृद्धि या कमी दो प्रकार से होती है इसकी हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं अब हम देखते हैं कि आपने मेरे इस लेक्चर के दौरान कितनी जानकारी हासिल की है अतः अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मांग में वृद्धि कितने प्रकार से हो सकती है डी स्टूडेंट्स चार ऑप्शन दिए गए हैं क तीन ख दो चार और घ पाँच तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ख यानी दो मांग में वृद्धि दो प्रकार से हो सकती है क्वेश्चन नंबर सेकंड मांग वक्र का दाई तरफ खिसकना कहलाता है ऑप्शन क मांग में वृद्धि ख मांग में कमी ग मांग में विस्तार घ मांग में संकुचन इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन क मांग में वृद्धि जब मांग वक्र दाईं तरफ सिफ्ट हो जाता है दाईं तरफ खिसक जाता है तो मांग में वृद्धि होती है डियर स्टूडेंट्स हमारा तीसरा क्वेश्चन है निम्न तालिका दर्शाती है आप ये तालिका देख रहे हैं इस तालिका के बाई और कीमत रुपये में ली गई है तथा दाईं तरफ मांग ली गई है कीमत दो रुपये है तो किसी वस्तु की दो इकाइयों की मांग की जाती है और जब कीमत दो से कम होकर एक रुपया हो जाती है तो मांग दो इकाइयों की ही रहती है अर्थात मांग समान रहती है इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं क मांग में वृद्धि ख मांग में कमी ग मांग में संकुचन और घ मांग में विस्तार इस टेबल में आप क्या देख रहे हैं कि कीमत में कमी आई है लेकिन मांग समान रही है मांग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ कीमत कम होने के कारण वैसे तो मांग के नियम के अनुसार कीमत में कमी हुई है लेकिन मांग बढ़ जानी चाहिए थी लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि कीमत में कमी के फलस्वरूप मांग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ अतः यह मांग में कमी को दर्शा रही है इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ख मांग में कमी क्वेश्चन नंबर चार कीमत रुपये में और मांग इकाइयों में ली गई है जब कीमत दो रुपये है तो एक इकाई की मांग की जाती है जब कीमत दो रुपये ही रहती है लेकिन मांग बढ़कर एक इकाई से दो हो जाती है तो ये टेबल दर्शाती है क मांग में विस्तार ख मांग में वृद्धि ग दोनों घ कोई नहीं आप इस टेबल में देख रहे हैं कि की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता कीमत दो रुपये ही रहती है लेकिन मांग बढ़कर एक इकाई से दो इकाई हो जाती है और आप जानते हैं कि जब कीमत में कोई परिवर्तन न हो लेकिन उसकी मांगी गई मात्रा बढ़ जाए तो वह मांग में वृद्धि को प्रकट करती है अतः इस क्वेश्चन का सही आंसर है मांग में वृद्धि अर्थात ऑप्शन ख क्वेश्चन नंबर फाइव आप देख रहे हैं रेखा चित्र इस रेखा चित्र में ओ एक्स पर वस्तु की मांग तथा ओ वाई एक्स पर वस्तु की कीमत ली गई है डी डी डिमांड कार है नया डिमांड कार इसमें डी वन डी वन दर्शाया गया है तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं मांग में संकुचन मांग में कमी मांग का विस्तार और घय ऑप्शन है हमारा कोई नहीं तो इस डायग्राम को ध्यान से देखिए इसमें पहले मांग वक्र डी डी है तथा नया मांग वक्र डी वन डी वन है तो मांग वक्र जो है बाई तरफ खिसक गया है और मांग वक्र का बाई तरफ खिसकना किस बात को प्रकट करता है मांग में कमी को अतः इस क्वेश्चन का आंसर है मांग में कमी अर्थात ऑप्शन ख क्वेश्चन नंबर सिक्स मांग में वृद्धि का कारण है ऑप्शन चार दिए गए हैं क कीमत परिवर्तन ख जनसंख्या में कमी ग जनसंख्या में वृद्धि घ क और ख दोनों इस क्वेश्चन का सही आंसर है जनसंख्या में वृद्धि अर्थात ऑप्शन ग जब जनसंख्या में वृद्धि होगी तो क्रेताओं की संख्या बढ़ेगी और क्रेताओं की संख्या में वृद्धि के कारण किसी वस्तु की मांग बढ़ती है अतः मांग में वृद्धि का कारण है जनसंख्या में वृद्धि क्वेश्चन नंबर सेवन मांग में कमी का कारण है ऑप्शन चार दिए गए हैं क स्थानापन वस्तु की कीमत में कमी ख ক্রেতাও কি সংখ্যা মে কমী গ হ ভোগতাও কি আয় মে কমী গ উপরোক্ত সবী ইস কোশ্চেন মে પૂછા গয়া কি માંગ মে কমী কা ক্য কারণ হ যদি স্থানাপণ বস্তু কি কিমত কম হো যায় তো ভি માંગ কম হতি হ ক্রেতাও কি সংখ্যা মে কমী কি কারণ ভি માંગ কম হতি হ और उपभोक्ताओं की अगर आय कम होगी तो भी वह वस्तुओं और सेवाओं की कम डिमांड करेगा अतः इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन उपयुक्त सभी इन सभी के कारण वस्तु की मांग कम हो जाती है क्वेश्चन नंबर एट यदि किसी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन न हो अर्थात कीमत स्थिर रहे परंतु मांग कम हो जाए तो यह कहलाएगी मांग में वृद्धि मांग में कमी मांग का विस्तार या उपयुक्त में से कोई नहीं इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए इसमें लिखा है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन न हो अर्थात कीमत स्थिर रही कीमत समान रही लेकिन मांग कम हो जाए कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता मांग कम हो जाए तो वह है जो है मांग में कमी कहलाएगी इस क्वेश्चन का सही आंसर है ख मांग में कमी क्वेश्चन नंबर नाइन यदि उपभोक्ता की आय कम होने से वे वस्तुओं की मांग कम करना शुरू कर देते हैं तो यह कहलाएगी ऑप्शन क मांग में वृद्धि ख मांग में कमी ग मांग का संकुचन घ उपयुक्त में से कोई नहीं इस क्वेश्चन का सही आंसर है मांग में कमी उपभोक्ताओं की आय कम होने से यदि उपभोक्ता वस्तुओं की कम मांग करते हैं तो वह है, मांग में कमी को दर्शाता है क्वेश्चन नंबर टेन इसमें आप एक टेबल देख रहे हैं कीमत पहले पाँच रुपये है तो मांगी गई मात्रा दस है और कीमत जब पाँच रुपये ही रहती है लेकिन मांगी गई मात्रा बढ़कर बीस रुपये होती है तो ये टेबल दर्शाती है के समान कीमत पर अधिक मांग ख मांग में कमी ग मांग में विस्तार और घ कोई नहीं इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन क समान कीमत पर अधिक मांग आप देख रहे हैं कि कीमत समान रहती है लेकिन मांगी गई मात्रा में वृद्धि हो जाती है अतः यह समान कीमत पर अधिक मांग कहलाएगी और इसका आंसर कै होगा होमवर्क के रूप में आप ये दो क्वेश्चन नोट कर सकते हैं